अरे भाई तू यहाँ पर? अरे बहन तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, ये लो अपना पार्सल। और जीजा नमस्ते, कैसे हो? सरजीस वो तुम्हें नमस्ते बोल रहा है, कम से कम रिप्लाई तो करो। अरे क्या हुआ जीजा जी, नाराज वराज हो क्या? अबे ओ, दो कौड़ी का डिलीवरी बॉय, अपनी ना औकात में रहे, चुपचाप से ना ऑर्डर डिलीवर कर और निकल यहाँ से। तेरे जैसे छोटे लोगों के मुंह लगूंगा क्या मैं? सरजीत ये कैसे बात कर रहे हो तुम इससे? ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई, इससे ना तमीज से बात करो, समझ में आया तुम्हें? तुझे रिश्ता रखना ना तो तू रख ले, समझ में आया? मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी ना मेरी शादी तुझसे हुई है ना कि इससे, तो चुपचाप से ना इसको इसके पैसे दो और निकालो यहाँ से। मेरा रिश्ता ना तुमसे है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं, समझ में आया? सिर्फ तुम्हारी वजह से ना इन लोगों को ना घर में बुलाना पड़ता है और मजबूरी में ना चाय पानी पूछना पड़ता है, वरना इन लोगों की ना इतनी हैसियत नहीं है कि मेरे सामने खड़े भी हो पाए। सरजेश ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब ऐसे मेरे घर वालों की बेइज्जती करोगे क्या तुम अगर वो घर पे आए तो? भाई आपने इनके बातों को बुरा मत मानना, ये कभी ऐसा नहीं करते, पता नहीं आज इनको क्या हो गया है, शायद इनका ना आज मूड खराब है। अरे दीदी कोई बात नहीं, वैसे ये मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, आज पता नहीं इनको क्या हो गया। क्या हो गया जीजा जी, कोई दिक्कत है क्या है तो बताओ मुझे। अबे ओ कब से जीजा जी लगा रखा है तूने, किसी को बता मत दियो कि मैं तेरा जीजा हूँ, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, समझ में आया? सरजीश अपना तुम्हारा बहुत आ रहा है, समझ में आया तुम्हें? अरे रहने दे बहन, वो तो इनका बड़प्पन है कि हमें इतनी इज्जत देते हैं, वरना हमारी हैसियत कहाँ कि हम इनके आगे बैठ पाए, वैसे भी हम छोटे लोग हैं। अच्छा जीजा जी मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, मैं चलता हूँ। नहीं भाई तू रुक, सरजेश अभी के अभी ना मेरे भाई से माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अच्छा तो तू मुझे धमकी दे रही है इसके चक्कर में, रुक। औकात में रह, समझ में आया तुझे? सरजीत तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुमने आज से पहले कभी मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करी, इवन कभी तू तड़ाक भी नहीं करा, और आज तुमने सीधा मुझ पे हाथ उठा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ तो हरकतें करेगी तो पिटेगी ना। देखिए ये आपने ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा, हमारे घर में कोई इससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता और आपने हाथ छोड़ दिया। मानते हैं कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं आप जो हमारे साथ करोगे वो हम सह लेंगे। कोई मेरी बहन को हाथ लगाएगा ना तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कैसे संस्कार है आपके जो अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हो? कोई अगर तुम्हारे भाई बहन पे हाथ उठाएगा गुस्सा आएगा ना तुम्हें, वैसे ही मुझे आ रहा है, वो तो मैं शर्म कर रहा हूँ अपनी बहन की, वरना अभी बता देता तुम्हें। हाँ सही कह रहा है तू, नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि कोई मेरे भाई बहन को हाथ लगाए, जो तू मेरे को बोल रहा है ना वो सब तूने इसको क्यों नहीं सिखाया? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहता हूँ जो तू आज फील कर रहा है ना ये मैं रोज फील करता हूँ। मेरी ना एक बहन है जिसे हमने बहुत लाड़ प्यार से पाला है, और उसकी ना शादी हो गई है, शादी के बाद ना ये उसे ना हमारे घर में ना घुसने भी नहीं देती। अगर मैं उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले भी आऊँ ना तो ये उसे ना सिर्फ ताने ही मारती रहती है, और अगर मैं उसे चाय पानी दे दूँ ना तो ये उसे ना इतनी खरी खोटी सुनाती है ना कि वो बेचारी ना शर्म के मारे ना घर से चली जाती है। अरे जितना ये घर मेरा है ना उतना ये घर ना मेरी बहन का भी है, लेकिन ये बात ना इसको समझ में नहीं आती। मैंने इसको ना बहुत बार समझाने की कोशिश करी लेकिन इसको ना कुछ समझ में नहीं आता, इसने हमेशा मुझे यही बोला कि तुम्हारा रिश्ता ना सिर्फ मेरे साथ है, तुम्हारे परिवार वालों के साथ नहीं, और हमेशा भड़काती रहती है मेरे परिवार के खिलाफ कि इनसे ना दूर रहो, इन्हें भगाओ यहाँ से। अरे इसने ना मेरी बहन को इतना ज़्यादा जलील किया है ना कि वो ना हम मेरे घर तक नहीं आना चाहती। अब समझ में आया तुम्हें दीप कि मुझे कैसा फील होता था? अरे जब तुम प्यार से नहीं मानी ना तब मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। दीदी तुम ये सब कर रही थी इनके साथ? अगर पापा को ये सब पता लगेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला है पापा ने, तुम्हारी सारी जिद और ख्वाहिश को पूरा करा, तुमने जिससे कहा उससे तुम्हारी शादी करवाई,
और तुम्हें पता है तुम्हारी शादी पे ना पापा ने कर्जा लिया था जिसे हम आज तक भरते हुए आ रहे हैं। और ये सब पता है क्यों करा था? ताकि तुम खुश रह सको। और तुम ये सब कुछ कर रही हो? अरे दीदी, शादी के बाद ना उसका असली परिवार उसका ससुराल ही होता है, पहले वो फिर हम, और तुम आपस में एक दूसरे को लड़वा रही हो। अगर पापा को ऐसे पता लगा ना, पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे कि पापा का सर नीचे हो। देखो दीदी, आपने गलती तो करी है, अब अभी के अभी माफ़ी मांगो इनसे, वरना आप भूल जाना कि आपका भी कोई परिवार था। सर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। तुम मुझे हमेशा समझाते थे, पर मैं हमेशा तुम्हारी बात को टाल दिया करती थी, कभी मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। पर आज ना मुझे समझ में आ चुका है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मैं बहुत गलत थी। और आज मुझे अपने भाई के लिए इतना बुरा लग रहा है, तो तुम्हें अपनी बहन के लिए कितना बुरा लगता होगा। और तो और, तुमने तो आज पहली बार उसको इतना कुछ बोला, तब मैं इतनी गुस्सा हो गई। मैं तो तुम्हारी बहन को रोज कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। सर जी, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दीप, बस मैं तुम्हें इतनी सी बात समझाना चाहता था, अगर तुम पहले ये सब समझ जाती ना, तो मुझे ना ये सब नहीं करना पड़ता। और भाई सॉरी यार, मुझे माफ कर दियो। और तुम्हारी इज्जत ना आज भी मेरे दिल में उतनी है जितनी मैं पहले करता था। और ये सब ना मैंने इसलिए किया ताकि इसको ना थोड़ी सी अकल आ जाए। अरे आपकी माफ़ी मांग रहे हैं, गलती तो हमारी है, अगर आपकी जगह मैं होता ना तो शायद मैं भी यही करता। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं आपको।